पहले तो बताओ, गधे ऐसी बोलती, नीचे उतरे पैर की चप्पल निकाली और चप्पल से मारने लगी। बोला बहुत खतरनाक औलाद जाएगी मेरी। कैसे आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है एक, मैं गई थी अभी फ्रूट्स की दुकान पे, नारियल पानी की बंदी लगा ली है। नारियल पानी अब पीऊँगी एक दिन छोड़ के, डेली तो नहीं पी सकती मैं, एक दिन छोड़ के पीऊँगी नारियल पानी। और मौसम भी लेने जाना है, एप्पल तो है। मौसम भी तो अभी यहाँ है नहीं, तो शाम को जाऊँगी मौसम भी लेने। आहो शाम को मैं मौसम भी लेने ले चलना, ले दाने दूंगी, ले इधर दाने दूंगी। एक मेरा टेढ़ा मेढ़ा लाना, नेक चिप्स लाना, उसके आहो इसके अलावा कहीं नहीं है नी। चलो बेटे बेटे ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ अब ना, सिर्फ ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं जब से स्टार्ट हुए, जब से काजू और पिस्ता। बादाम सुबह से भीगी भी खा लेती हूँ, 6 बादाम खाती हूँ मैं, 2 भी नहीं 4 भी नहीं, 6 बादाम मैं अकेली खाती हूँ चलते चलते। सुबह से उठूंगी पहले गोली खाऊंगी तब 2 बादाम खा लूंगी, फिर काम करती जाऊंगी और एक एक बादाम से थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहती हूँ। खाना वगैरह भी हो गया, दाल तड़का और चावल बनाए थे उसको भी खिला दिया, हमने भी खा लिया। अब मैं सोच रही हूँ दोपहर के भी डाइट बनाऊँ थोड़ी, तो खाना वगैरह दोपहर में भी थोड़ा खाऊँ। और कल से अंकुरित स्टार्ट करूँगी मैं, स्प्राउट्स मूंग और चना 2 चीज, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है। मूंग चना और मट भी खाते हैं ना, तो मट अच्छी लगती है, मूंग और चना ही खाऊंगी मैं। कोई बोलते हैं जो जैसे भीगे हुए रहते डायरेक्ट उसको वैसे ही खा लो, ज़्यादा मतलब उसमें प्रोटीन रहता है, बट हम फ्राई करके नमकीन करके खाते, इतने इतने से भीगूंगी जब जाके इतने हो जाएंगे, हम ज़्यादा करूँगी ना तो फिर खिलाएंगे उन्हें। इतना खाऊंगी रोज डेली, 2-3 चम्मच होना, मैं भी खाऊंगी प्रिंसी को भी दूंगी। ब्लॉग आज एक आता एक नहीं आता ऐसा हो रहा है। कल शूट करा था पर आधे दिन ही शूट करा था और सो गई थी मैं, इसलिए आधा ही आया। हे गाइस, प्रिंसी तो गई है उसके मामा के घर, अभी भैया भाभी और विदित आए थे तो पीछे लगी, मेरे को जाना है तो चली गई हूँ मामा के पास उसके। बोला मैं आईब्रोज बनवाने जाऊँगी पार्लर में, जा तू जा मैं विदित की बना दूंगी, पर रुखी ने पट्टी चली गई। अब मैं मांझती हूँ बर्तन, थोड़े से कपड़े हैं धोने का धो देती हूँ क्योंकि आज धूप निकली तो बाहर के कपड़े सूख गए हैं, कपड़े धो देती हूँ फिर देखती हूँ क्या काम है। तो पहले कपड़े बर्तन करती हूँ फिर दूसरा काम। तो मेरे बर्तन तो हो गए, और मैं टेबलेट की बात करूँ तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी टेबलेट है। इसको खाने में भी आती आ रही, इसको खाते हैं खाना खाने के बाद। मैंने खाना खाया था 11:30 बजे है ना, और अभी टाइम हो रहा है 2:30, इतनी लेट। और मेरे बाबू को देखना चाहोगे? अभी मेरे को 4 मंथ चल रहा है और मेरी टमी इतनी निकल चुकी है, अब 22 तारीख से 5 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसे लूज कपड़े पहनती हूँ किसी को पता ना चले, फिर भी दिखता है क्या? नहीं दिखता इतना, ढीले ढीले रहते ना तो इतना नहीं दिखता, ज़्यादा फिट पे ना तो दिखता है। टेबलेट खाना है, मतलब टेबलेट खाने में बहुत ज़्यादा वो आता है क्या है, और बच्चे के लिए सब करना पड़ता है। कुछ कुछ टेबलेट तो इतनी बुरी बासती है ना कि उसी की डकार आती है। किसको किसको टेबलेट खाना पसंद है? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं, इतना भी नहीं टेबलेट खाना पसंद है। टॉनिक की दवाई भी मेरी मम्मी ने मेरे को दी है बेबॉन, जिससे ब्लड अच्छा रहता है, एनर्जी भी रहती है फुल, सब प्रेगनेंसी में भी पी सकते हैं, विदाउट प्रेगनेंसी भी पी सकते हैं, बट मेरे को नहीं पीना। उसका टेस्ट बढ़िया लगता है पर मैं भूल जाती हूँ, आलसी आ जाती है। जो दवाई वगैरह रहती है ना वो तो मैं पी लेती हूँ बट ये नहीं खिलाती है। जैसे ये है, ये मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि मैं इसके बाद पानी भी नहीं पीती हूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ये मेरे को। और एक प्रिंसी के टाइम पे मैम ने लिखी थी, इतनी टेस्टी दवाई थी कि मैं उसको दिन में सिर्फ 1 बार पीना थी पर मैं उसको 3 बार पीती थी। और पता है उसको दिन में 3 बार पीने का नतीजा
मेरे अंदर प्रिंसी के टाइम पे 12 ग्राम खून था 9 मंथ में प्रिंसी को जब मैंने जन्म दिया था तब उसको पीने का इतना अच्छा नतीजा था क्योंकि वो टमाटर वाली थी, बहुत टेस्टी थी वो। अब मैं सोच रही हूँ इसको भी पीना स्टार्ट करूँ। प्रेगनेंसी में कम से कम मेरी ये 15 या 20 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। चलो इसको भी ट्राई करेंगे। पहले ये दो मैडमों को अंदर निकलते हैं, कपड़े धोना है, आलसी आ रही हूँ मेरे को, क्या बताऊँ। प्रिंसी चल जाती फिर आलसी आती है, और प्रिंसी रहती ना तो मैं एक्टिव रहती हूँ क्योंकि मम्मा ऐसा मम्मा वैसा मम्मा ऐसा मम्मा वैसा, तो उसके इसमें चल फिर करो तो एक्टिव हो जाते। और अब हो गई तो अब मैं निठल्ली अब आलसी लूँगी। कौन आया? थ्री पहले मैंने ऐसी गले में रखती थी, अब मैं ऐसी डाल लेती हूँ डायरेक्ट। आदत होगी, प्रिंसी के टाइम पर बहुत टेबलेट्स खाई इसलिए आदत होगी मेरे को, डायरेक्ट डालूंगी मैं 2 टेबलेट। फर्स्ट टाइम खा रही, बेसिन पास में ही है। कौन कौन ऐसा लेके बैठता है? मैं तो 10 बार गिनती गिन लेती, 10वें में अंदर डाल दूंगी पर नहीं जवाती है। 3 नहीं, हिम्मत नहीं होती। आपको लग रहा होगा मैं नाटक करी पर सच में हिम्मत नहीं होती मेरे को टेबलेट खाने में, आधे से 1 घंटा लगता है ऐसी लेके बैठने में। पहले तो और साथ में 3-4 प्रकार का खाना लेके बैठती थी, आज तो कुछ भी नहीं लेके बैठी हूँ। बादाम का हलवा खाया, चबाने में भी ऐसा लग रहा है क्या है, प्योर बादाम का हलवा। बेटा अभी तू जा तेरी जगह पे, भी तेरा टाइम नहीं आया पीने का। चलो आप कपड़े धोते हैं। आज तो फिर भी जल्दी टेबलेट खा ली पता है, मैं वगैरह से खिलाती हूँ ये टेबलेट। अभी कपड़े पड़े हैं, एक मन हो रहा हाँ एक मन हो रहा ना, क्या करूँ नहीं धोती हम। बाहर से सूखे कपड़े निकाल लेती हूँ और कपड़े फोल्ड करके दूसरा काम ढूंढती हूँ कि और क्या काम करना है मेरे को। मन हो रहा था भाभी पास बैठने जाओ यार तो अच्छा लगेगा, जाओ क्या करूँ शायद कस्टमर यार है तो कपड़े खड़ी करने के, तो मैं देख के ऐसी आलसी आ रही है कि क्या करूँ अब मैं इतने सारे कपड़ों का, क्योंकि इतने इकट्ठे कपड़े अभी धोए थे ना मैंने। अपने खड़ी करने में तो फटाफट हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है बट जब बिखेरे रहे थे ना तो वो ज़्यादा लगते हैं। और बारिश में तो ना थोड़े थोड़े कपड़े धोने से अच्छा कि इकट्ठे कपड़े धो दो, वो होता है थोड़े थोड़े धो और कहके सूखते ही उसमें 2 निकालो 3 टंगे रहते हैं, मतलब नहीं यार से इकट्ठे कपड़े धो तो उसमें सूख भी जाते हैं। पंखे नीचे रखते थे
तो उनको भी निकाल के रखना है ऊपर, फिर जैसे ही धूप निकले वॉश करके उनकी भी गड्डी बनाना है। फिर जो बेबी के कवर्स आते हैं, गद्दे आते हैं, जिप कवर आता है नेट वाला, उनको भी सबको वॉश करना है। इतना सारा काम मम्मी ने मेरे को दिया है, बोला अभी तो फ्री है तो अभी कर ले, फिर ज़्यादा देर से कपड़े वगैरह नहीं धुलेंगे, तो अभी मेरे को करना है। मैं वही सोच रही हूँ कि इतने कपड़े खड़ी करूँ फिर वो काम करूँ, पर एक बार आलसी आ जाती कि इसको खोलना पड़ेगा, और खोलो ना फिर इतना पसारा फैला, वहाँ आलसी का काम है, तो मेरे को दीपा को बुलाना पड़ेगा। दो जन थे तो काम अच्छा होता। गाइस तो अभी टाइम हो रहा है 5:51, और एक बात है जो सच बोलना चाहूँगी आज, मैं किसके साथ ऐसा होता है मेरे को कमेंट में बताना, मैं बताती हूँ। प्रिंसी रहती है ना घर में, आपका बच्चा रहता है घर में, तो आलसी मेरे को सच बताओ इतनी सी भी नहीं आती प्रिंसी अगर घर में रहती है, क्योंकि वो फुल टाइम कुछ ना कुछ फेंका फाकी करती। जैसे घर में कुछ खाया फेंका तो अपन झाड़ू निकालो, कुछ फेंका पोछा लगाओ, खिलौने फेंके, फुल टाइम उनको अब दो मम्मा पानी दो, मम्मा कुछ खाना है, मम्मा ये करना है, मतलब उसके आगे पीछे दौड़ते रहो तो एनर्जी बनी रहती है मेरे अंदर। और जैसे ही वो घर से बाहर गई, मतलब कहीं और गई कि मतलब आना ही नहीं है मेरे पास, उसने पूरा दिन उस दिन मेरी एनर्जी पता नहीं क्यों लो हो जाती है। ये दूसरी बार मेरे साथ हो रहा है। जैसे एक बार प्रिंसी अभी गई थी उसके मामा के घर मंडे के दिन शायद, हाँ मंडे गई थी, और एक बार आज गई है। दोनों दिन मैंने देख लिया मेरी एनर्जी इतनी बुरी तरीके से लो हो जाती ना, सर दर्द करने लग जाता है, सिर भी कैसा अजीब सा अंदर से लगता है कि प्रिंसी कहाँ है, प्रिंसी कहाँ है, बस उसको ही ढूंढती रहती हूँ बाहर जाती प्रिंसी का। मेरे को कुछ काम नहीं समझ पड़ता, अभी मेरे कपड़े पड़े हैं पर अंदर से इच्छा नहीं हो रही है धोने की, बर्तन पड़े हैं पर अंदर से इच्छा नहीं हो रही है मसने की, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। और प्रिंसी रहती है ना वो खेला करेगी, ला मैं कपड़े धो लूँ, भले चार कपड़े होंगे ला मैं कपड़े धो लूँ, भले दो बर्तन होंगे ला मैं मस लूँ, ला मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, बस वो रहती है तो मेरे को काम सुस्ता। और वो नहीं रहती तो मेरे अंदर आलसी भर जाती, कपड़े मैंने बड़ी मुश्किल से घड़ी कर ली, जमाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी मेरी कि कपड़ों को जमा दूँगी, फिर मैंने बोला यार जमा दो, थोड़े बहुत जमा और थोड़े बहुत अभी पलंग पे पड़े हैं। इतनी आलसी आ रही, ना मोबाइल चलाने का मन कर रहा ना टीवी देखने का मन कर रहा, वो रहती है तो मोबाइल चलाने का मन करता, टीवी देखने का मन करता, काम करने का मन करता है, और अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा है। वो आएगी ना तभी मेरे को शांति मिलेगी सच में यार। वो रहती है परेशान तो पूरा कर देती है, मेरी 110% वाली एनर्जी पूरी उसमें लग जाती है, उसको चिल्लाती रहूँगी मारती पिटती रहूँगी, वो मेरे को चल जाएगा। अब इतना बड़ा घर में वो अकेला खाने दौड़ रहा है ना मोबाइल चलाने का मन कर रहा, ना टीवी देखने का मन कर रहा, ना काम करने का मन कर रहा, बस ऐसा मन कर रहा प्रिंसी तो मेरे पास आ जा और चबर चबर बोलती रहे। इतना बोलती है ना ओ गधी, अब तो गधी पता नहीं कहाँ से बोलना सीख गई यार, ऐसी बोलती पता नहीं किसने सिखा दिया। कल भी डुब्बू ने उसको गोद में उठाया, बोले मैं वर्ल्ड कप ये ट्रॉफी जीत गया, दादा रुको मैं आ रही। तो बाप रे डुब्बू को ना पहले तो बताओ गधे ऐसी बोलती, नीचे उतरे पैर की चप्पल निकाली, इतनी सी चप्पल निकाली और चप्पल से मारने लगी। बताओ वो साइड में यादव भाभी रहते, बोलो बाप रे प्रिंसी तू अभी से ऐसी है, बहुत खतरनाक हालात जाएगी मेरी। उसका नाम भी लेता ना तो मतलब चिल्ला देती, और अभी तो ऐसी मुँह करेगी, ऐसी देखेगी और ऐसी देखती है, मतलब नज़र टेढ़ी करके बहुत पता नहीं कैसी क्या जाएगी। हम तो सोचते हैं कि अभी से हमको हमारे चने फुड़वा देगी ना, बोलते हैं ना दाँतों तले चने फुड़वा ना, सब उसमें का काम करवा देगी। चलो बाहर दादा आए हैं कुरकुरे वगैरह के लिए, उसके लिए पैसे रखे थे कि उसके लिए लूँगी, बट वो है नहीं तो मेरे लिए लूँगी मैं। सभी दादा आए थे तो दादा से मैंने लिए सेव बूंदी भरचक की, इतनी टेस्टी लगती है ना, ये पूरा पैकेट भरा हुआ आता है, मतलब आधा भरा हुआ आता है, और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें बहुत ही टेस्टी आती है ये, इस टाइप से बूंदी निकलती है और इस टाइप से सेव रहती है।
एकदम चटपटा सा फ्लेवर आता है, उसके मुंह में दांत नहीं हो ना वो भी खा ले और मज़ा करे। चलो खाती हूँ मैं इसको। आलू मेरे हो रहे हैं, मैं साबुदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। मेरा कल से बहुत ज़्यादा मन कर रहा है साबुदाने की खिचड़ी खाने का, फाइनली आज बनाई लूँगी। सुबह के दाल चावल थे, आपके जीजू थोड़े से खा लेंगे और थोड़े से मैं खा लूँगी, बाकी साबुदाने की खिचड़ी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। लाड़ों के लिए भी फिर दाल चावल है वो भी खा लेंगी। है गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 8 और शिवाय आ गए हैं, हम जा रहे हैं लाडू को लेने। और बारिश क्यों नहीं आए, मम्मी से पूछा कि क्या करी, बोले खेल तो रही है पर बोल रही है बार बार कि मेरी मम्मा आएगी, विदित तेरी बुआ आएगी ना, अधिक तेरी बुआ आएगी ना मेरे को लेने, ऐसे करके बोल रही है। उधर बारिश हो गई है स्टार्ट, शिवाय बोले थोड़ा रुक जाओ हवा चलती बंद हो जाएगा। और साथ ही मैं लाडो का रेनकोट रख लिया है, अगर ज़्यादा बारिश आती है हम भीग जाएंगे, पर उसको नहीं भीगने देंगे क्योंकि सुबह ना वो छींक रही थी बहुत ज़्यादा, इसको छींक आ रही थी इसलिए बैठो ऐसे ही बैठ जाते। चलो उसको नहीं भीगने देना है, मार्केट में से चलना वो सब भी लेते हुए निकलेंगे। ये रहे तो निकले तो सही, हम भी गीले हो जाएंगे बट पानी ज़्यादा ही तेज आ गया तो फिर रास्ते में रुक गए और इधर पानी पूरी खा ली। अब यहाँ रुके और पानी पूरी दिख गई तो खाना तो बनता ही है यहाँ, तो पानी पूरी खाई। अब थोड़ा पानी रुकेगा फिर जाएंगे, हमें तो मस्त इधर पी चले क्या, चेक कर लो आ रहा है, बोलो चले। चलो चाहते हैं, बहुत बारिश तो हो रही है, हो जाएगी कि मेरे डबल से अभी सर्दी ठीक हुई है और नहीं हो जाए। रेनकोट यहाँ टांग देते हैं, ऊपर जाएंगे तो लड़े झगड़े हो जाएंगे। पूछो दीदी खुश हो गई होगी यार, ये तो तलना हो रहा हो भजिए बोल रहे खुशबू तो आ रही। मैंने शिवाय को भी बोला, मैंने तलना हो रहा भजिए बन रहे खा रहे गरम गरम दे। नानू चिल्लाते बेटा, ओ बापरे ओ मेरे छोरे को कुछ आ गया वो, मम्मी मम्मी फुसक रही है वो तो खतरनाक। देखो बेटा नानू ने मजाक करा हो। हे गाइस, तो प्रिंसी को लिया है, प्रिंसी तो रास्ते में सो गई थी, अंदर अभी सुला दिया इसको सोफे पे। और इधर बनी है हमारी साबुदाने की खिचड़ी, मेरा बहुत मन हो रहा था देख सकते हो एकदम खिले खिले साबुदाने बने हैं। और इधर बना है हमारा रायता, तो चलो साबुदाने की खिचड़ी और रायता खाते हैं। बहुत ज़्यादा मन हो रहा था और आपकी जीजू ने मेरे को मार्केट से भी नहीं ला के, तो मैं लास्ट में बनाऊँगी तो खिचड़ी ही बनाऊँगी और पेट भर के खाऊँगी। जल्दी बनाने का था कि दो बार खा लूँगी, बट प्रिंसी को लेने जाना था इस वजह से फिर अभी बने, तो बन जाती ना तो मैं खा भी लेती फिर बाद में भी खाती आपके जीजू से। अब क्या करें, अब सुबह खाऊंगी। हे गाइस, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।